जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज प्रार्थना करवाते हैं। हे नाथ, हमें आपके चरित्र अच्छे लगें, आपकी लीला अच्छी लगे, आपका रूप अच्छा लगे, आपका धाम अच्छा लगे, आपके गुण अच्छे लगें, आपकी महिमा अच्छी लगे, तो यह आपकी कृपा ही है, हमारा कोई बल नहीं है। आज जो हम आपका नाम ले रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं, आप में लगे हुए हैं, यह केवल आपकी ही कृपा है। यह न तो हमारा उद्योग है और न हमारे कर्मों का फल ही है। किसी की ऐसी योग्यता सामर्थ्य नहीं है कि आपकी कृपा के बिना आपकी तरफ आ सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे कितने कितने अवगुण हम में भरे हुए हैं, और ये कैसा वायुमंडल है, कैसा कलयुग का समय है। ऐसे समय में आपकी तरफ वृत्ति होती है, यह तो आपकी केवल कृपा है। आपकी कृपा के बिना जीव अपने बल से आपकी तरफ आ सकता ही नहीं। संतों का संग भी आप ही देते हो, प्रेरणा भी आपकी होती है, आप ही ऐसा वायुमंडल बना देते हो जिससे आपकी तरफ आने के लिए बाध्य विवश हो जाते हैं। मान में, बड़ाई में, आदर में, प्रशंसा में, रुपयों में, भोगों में, संग्रह में, सुख में, आराम में हमारा मन स्वतः जाता है। यह तो है हमारी दशा, और इस पर भी जो सत्संग मिलता है, आपकी चर्चा मिलती है, आपकी कथा मिलती है, आपका सत्संग मिलता है, आपकी कथा मिलती है, तो यह आपकी ही कृपा है महाराज। संसार का चिंतन तो अपने आप होता है क्योंकि ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है, पर आपकी चर्चा, आपका चिंतन आपकी कृपा से ही होता है। आपने ही सद्बुद्धि दी है, हमारी दशा तो बेदशा है, पर आप हमारी दशा की तरफ देखते ही नहीं हो, हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं हो, आपका ऐसा स्वभाव ही है। आपकी अपनी कृपा से ही आप मोहित हो जाते हो, अपनी ही कृपा के वशीभूत होकर आप हम जैसों को भी अपनी तरफ खींचते हो। उस कृपा से ही हम आपकी ओर खींचते हैं, अपनी शक्ति से, भक्ति से नहीं। कि उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तज भाव न आना। हे नाथ, भक्ति भी आप देते हो तब होती है, अपनी जबरदस्ती से भक्ति लेने की ताकत किसी में नहीं है। इतना ही नहीं, संसार के पदार्थ लेने की और भोगने की इच्छा होने पर भी हम ले नहीं सकते, भोग नहीं सकते। जब नाशवान संसार में भी हमारा वश नहीं चलता, तो फिर आपकी अविनाशी भक्ति, अविनाशी गुण हमारे बल से कैसे मिल सकते हैं। हम जिस धन, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए उद्योग करते हैं, और झूठ, कपट, बेईमानी आदि को दोष जानते हुए भी स्वीकार करते हैं, उस धन आदि को भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हम आपकी तरफ चलें, यह क्या हमारी शक्ति है। हम विनाशी को भी नहीं पकड़ सकते, फिर अविनाशी को कैसे पकड़ें, उसको पकड़ सकते ही नहीं, हमारी क्या ताकत है। प्रभु, यह तो आपने ही कृपा की है जिससे हम आपकी चर्चा सुनते हैं, आपके चरित्र सुनते हैं, आपके गुणों का वर्णन सुनते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आपके विग्रह का दर्शन करते हैं। आप ही कृपा करके संयोग बैठाते हो, आप ही ऐसी स्थिति पैदा कर देते हो जिससे हम और कहीं जा ही नहीं सकते। यह सब आप ही करते हो और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपके हैं। अच्छे हैं तो आपके, बुरे हैं तो आपके हैं। जो हम भले बुरे सो तेरे, हम आपके पाले पड़ गए हैं महाराज। आप भी क्या कर सकते हो, आप में खींचने की ताकत तो है पर दूर करने की ताकत है ही नहीं, आपका स्वभाव ही ऐसा है। हे नाथ, आप कितनी कितनी विलक्षण कृपा करते हो, हम पहचान ही नहीं सकते। आपका दिया हुआ ही आपको मोहित कर रहा है, आपके दिए हुए गुणों से ही आप मोहित हो जाते हो। हमारे अवगुणों की तरफ, हमारी स्थिति की तरफ, हमारे विकारों की तरफ, हमारे विचारों की तरफ आपकी दृष्टि जाती ही नहीं। यह आपका स्वभाव है, हमारा गुण नहीं। इस स्वभाव के परवश होकर ही
आप हमारे को अपनी तरफ खींचते हो। हम आपकी इस कृपा को किंचित भी कह नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हमारी क्या ताकत है, हमारा तो कहना ही क्या है। जो मुक्त हो गए हैं उन तत्वज्ञ महापुरुषों को भी आप अपनी तरफ खींचते रहते हो, उनको भी निज आनंद में टिकने नहीं देते हो। उनका अपना परम प्रेम प्रदान करने के लिए, उनको अपना परम प्रेम प्रदान करने के लिए आप लालायित हो जाते हो, और इसके लिए उनको जीवन मुक्ति के आनंद को भी फीका, उनके जीवन मुक्ति के आनंद को भी फीका किरकिरा कर देते हो। जब जीवन मुक्त महापुरुषों की भी ऐसी बात है, फिर हम अपनी कहाँ तक कहें। हमारी बुद्धि विचार शक्ति वहां तक पहुंचती ही नहीं। हे प्रभु, हम सांसारिक महा माया मोह में फंसे हुए हैं। उसमें ही बने रहना चाहते हैं, उसमें ही सुख मानते हैं, आराम मानते हैं। हम उसमें ही अपना हित मानते हैं, जो कि हमारे अहित का खास कारण है। बुराई को हम भलाई से भी विशेष आदर देते हैं। हम जानबूझकर उद्योग पूर्वक छिप छिप कर पाप करते हैं। पाप अन्याय जनित सुख मिलने में अपना सौभाग्य, लाभ, बुद्धिमत्ता, चतुराई मानते हैं। पाप जन रुपए पैसे सुख आराम मिलने पर खुशी मानते हैं कि हम निहाल हो गए, मौज हो गई। इनके दोषों की तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं, जिससे हम फंस जाते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, दुख भोगते हैं, कराहते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, फिर भी उधर ही जाने का मन करता है। क्या करें नाथ, आप ही हमें अपनी तरफ खींच लें। हे नाथ, आपकी कृपा ही, आपकी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो वह भी आपकी कृपा से ही जाती है, पर हम इसको भी नहीं पहचानते। आसक्ति, कामना, मोह, मूढ़ता, घमंड, ईर्ष्या आदि बड़े बड़े दोषों के जाल में हम फंसे हुए हैं, जो कि पतन करने वाली, दुख देने वाली आसुरी संपत्ति है। हमारी तो यह दशा है, परंतु आप हमारे स्वभाव, कृति आदि को न देखकर हमें अपनी तरफ खींचते हो। यह आपकी कृपा है, आपका स्वभाव है, हम तो इसको भी नहीं पहचानते। हाँ, कभी कभी मन में लहर आ जाती है, आपकी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है, तो यह भी आपकी कृपा से होता है। आप कृपा दृष्टि से थोड़ा सा देखते हो, उसी से यह बात पैदा होती है। नहीं तो हमारे में वैसी कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, इस तरफ हमारी कोई रुचि नहीं। हमारी रुचि तो संसार के भोगों की है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब प्रकृति के हैं, पर इनके वश में होकर हम विषयों का सेवन करते हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमारी दशा तो यह है। आप ही कृपा करते हो तो हमारी दृष्टि आपकी तरफ हो जाती है, आपकी कृपा की तरफ हो जाती है। ऐसे युग में, ऐसे वायुमंडल में, ऐसे समुदाय में, ऐसी प्रवृत्ति में हम रहते हैं, फिर भी आपकी तरफ खिंचाव होता है। यह केवल आपकी कृपा से ही होता है। आपकी तरफ हमारी जो रुचि होती है, वह भी आपकी दी हुई है। प्रभु, हमारे पास क्या है, केवल आपकी कृपा। उस कृपा के भरोसे ही हम आपकी तरफ चलते हैं। आपके ही दिए हुए विवेक को हम अपना मान लेते हैं और अभिमान करते हैं कि हम ऐसे समझदार हैं। हमारी बेसमझी की, मूर्खता की हद हो गई है महाराज, परंतु आपका इस तरफ ख्याल ही नहीं। जब जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दूसरे आदमी तो बेचारे भ्रम में रह जाएं, क्योंकि वे हमारे को जानते नहीं, परंतु आप तो हमारे रग रग की बात जानते हो। आप हमारे मन की स्फूर्णा को भी जानते हो, पहले किए हुए हमारे कर्मों को भी जानते हो, हमारी वर्तमान दशा को भी जानते हो, हमारे बुरे स्वभाव को, पुरानी आदत को भी जानते हो, परंतु आप उस तरफ देखते ही नहीं, उल्टे हमें अपनी तरफ खींचते हो, क्योंकि यह आपका स्वभाव है। इस स्वभाव से ही आप जीव को अपनी विशेष कृपा से 84 लाख योनियां, नरक, दुख, हानि, रोग, शोक, भय, उद्वेग, संताप आदि देते हो, जिससे इसको चेत हो जाए। जैसे सोते हुए आदमी को उठाना हो तो सुई चुभाने से उसको चेत हो जाता है, ऐसे ही हमें चेताने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए आप प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हो।
आप किसी भी अवस्था में परिस्थिति में हमें टिकने नहीं देते। यह आपका निरंतर आह्वान है, अपनी तरफ बुलाना है। आपने अपनी कृपा से संसार की रचना की ऐसी की है कि कोई भी अवस्था परिस्थिति आदि निरंतर हमारे साथ नहीं रहती। संसार का निरंतर हमसे वियोग होता रहता है। हे प्रभु, आप हमें चेत कराने में कमी नहीं करते। हमें बार बार चेताते हो, फिर भी हम चेत नहीं करते, सावधान नहीं होते। उल्टे अपने बल और बुद्धिमानी से पुनः उन्हीं दोषों की तरफ जाते हैं। उन दोषों के फलस्वरूप मिली प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए हम पुनः वही दोष करते हैं। यह तो हमारी दशा है, फिर भी हमें चेत कराने में आप उकताते नहीं, हमें सावधान करने में आप उकताते नहीं। यह आपकी कृपा है। हमारी तो कभी कोई इच्छा हो जाती है, कभी कोई चाहना हो जाती है, कभी कोई मार्ग पकड़ लेते हैं, कभी किसी का संग कर लेते हैं, कभी किसी की बात ठीक मान लेते हैं। ऐसे हम भ्रम में पड़ जाते हैं, फिर भी आप हमें निकाल लेते हैं। आपकी कृपा बड़ी विलक्षण है प्रभु। हे नाथ, हे नाथ, आपके भीतर जीवों का कल्याण करने की चाह है, उसको हम समझ ही नहीं पाते। माँ की कृपा को बालक क्या समझे, बालक तो बेसमझ होता है। माँ तो उसको नहलाकर साफ करती है, पर वह रोता है। यही दशा हमारी है महाराज। इसलिए हे नाथ, कृपा करो। कृपा कर ही रहे हो, क्या हमारे कहने से कृपा करोगे? आपका तो स्वभाव ही कृपा करने का है, फिर भी हम आपसे बार बार कहते हैं कि कृपा करो, तो इस बात को भी आप सह लेते हो। यह आपकी कितनी सहिष्णुता और धैर्य है। आप अपनी तरफ से स्वतः स्वाभाविक कृपा करते हो और उसी से जीवों का उद्धार करते हो। जीवों को कुछ चेत होता है, होश आता है, तो आपकी कृपा से ही आता है। वे निषिद्ध आचरण करते हैं तो आप ही उनको नरकों में भेजकर शुद्ध करते हो। आपने ही गीता में कहा है, हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। आपने कितनी विलक्षण बात कही है कि मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके आसुरी योनियों में चले जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सब मनुष्यों को अपनी प्राप्ति कराना चाहते हो, इसलिए आप उनको ऐसा विवेक अवसर संग देते हो जिससे वे आपकी प्राप्ति कर सकें। परंतु हम आपके दिए हुए विवेक का दुरुपयोग करके पतन की तरफ जा रहे हैं और उसमें अपनी बुद्धिमानी मान रहे हैं। हे नाथ, पतितों का उद्धार करना आपका सहज स्वभाव है। आपके इस स्वभाव को देखकर हमारे मन में विशेष उत्साह होता है कि हम पतित हैं और आप पतित पावन हैं, फिर हमारा उद्धार होने में क्या संदेह है। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। जय श्री राधे। जय श्री राधे।